हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़। सुपर आइडियाज़ पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। तो अगर आप अमरनाथ जी यात्रा करने वाले हैं तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 17 अप्रैल से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हेल्थ सर्टिफिकेट जो इसके साथ रिक्वायर है उसको भी आप कैसे बना सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो इसके लिए जो वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है जो कि श्री अमरनाथ जी श्रीम बोर्ड की वेबसाइट है, jksasb.nic.in। यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू में भी आपको यहाँ पर वेरियस लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ये फॉर्म मैंने ओपन करके रखा है, जस्ट लेट मी चेक कौन सी टाइम है। यहाँ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। फिर आपके पास एक OTP आएगा, आपको वो वेरीफाई करना है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस और SMS आपको भेज दिया जाएगा, SMS के जरिए आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो फ़ी है यहाँ पर वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं और फिर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर डूज एंड डोंट्स हैं जो ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल द्वारा ही जो कि ऑथराइज्ड है। तो आपको ऑथराइज लिस्ट भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, उसी लिस्ट में से आपके पास जो जो डॉक्टर हैं वहीं से आपको बनवाना है। फोटो आपका .jpg या .jpk फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि मोर देन 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इमेज आपकी फ़ोटो की होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करना है और ये PDF फॉर्मेट में आपको लेना है और इसका साइज भी जो है नॉट बी मोर देन 1 MB, तो 1 MB से कम ही होना चाहिए। कौन सी एज के लोग जा सकते हैं, जिनकी एज 13 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे हैं वही यहाँ पर जा सकते हैं। तो बिलो 13 और अबोव 70 ईयर्स आर नॉट अलाउड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन अगर मोर देन 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो वो अलाउड नहीं है। आपको अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको साथ लेकर जाना है। तो एक तो आपको यात्रा परमिट हो गया, एक आपका फोटो आईडी प्रूफ हो गया और एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तीनों ही आपको साथ लेकर जाने हैं। आप क्लिक करेंगे आई एग्री पर, देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने फॉर्म पर। तो यहाँ पर क्या है कि एक मोबाइल नंबर से आप 4 एप्लीकेंट ही रजिस्टर कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा है तो आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी गई तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रूट ऑफ यात्रा कि किस तरीके से आपका रूट ऑफ यात्रा है। 2 रास्ते हैं, बलताल और पहलगाम, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ यात्रा, आपकी डेट ऑफ यात्रा क्या है वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जो भी डेट है, जिस भी डेट को आपको जाना है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 30 अगस्त तक है, तो जिस भी डेट को आपको जाना है उसी डेट पर। सपोज आपकर आपको 5 जुलाई को जाना, तो मैंने 5 जुलाई सेलेक्ट किया, तो फिर चेक अवेलेबिलिटी आप यहाँ पर चेक करेंगे कि 3,243 सीट अभी भी लेफ्ट है। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर आएगा, आपके फादर या हस्बैंड नेम की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अगर प्रेफरेबली पोस्टपेड हो तो अच्छा है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जहाँ पर आपको OTP मिलेगी, एडवाइजरी मिलेंगी, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। फिर आपको अपना स्टेट या UT फिल करेंगे। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, आपकी नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन यहाँ पर आपको मेंशन करना है, रिलेशनशिप क्या है आपका उसके साथ, ब्लड ग्रुप आपका और यात्री की एड्रेस डिटेल। इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी, स्टेट, लोकेशन, किस हॉस्पिटल से आपने करवाया है, आपकी पूरी एक लिस्ट है उसमें से आपको होगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑथरिटी नेम, आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ वो अपलोड करना है और ये कैप्चा आपको फिल करना है। आप एग्री कर देंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो करेक्ट है, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको पेमेंट करनी है और अपना जो यात्री कार्ड है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवा सकते हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोस्तों ये फॉर्म है जो आप देख सकते हैं,
सकते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा परमिट अप्लीकेशन फॉर्म है ये बेसिकली, कि इस तरीके का अप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों के लिए है ये जो कि NRI या इस तरीके से अलग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, तो आप इस तरीके का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए है। तो यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आएगा, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, आपके फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पर आएगा, एड्रेस की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि भरनी है, फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अगेन एज लिमिट के बारे में दिया गया है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपको इनमें से कोई हिस्ट्री नहीं है आपकी, कोई डिसीज़ की है इनमें से तो कोई नहीं है, जैसे कि ब्रेथलेसनेस हो जाते हैं आप, लंग एलिमेंट है, ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, हार्ट एलिमेंट, ज्वाइंट पेन्स, डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर्स, आर यू अ स्मोकर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एलिस्पेसी, नर्व्स ब्रेकडाउन, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, पैरालिसिस, आर यू प्रेग्नेंट, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर हिस्ट्री है तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि जो भी आपने डिटेल ऊपर फिल की है वो बिल्कुल सही है आपकी जानकारी के अनुसार, उसमें से कोई भी आपने कुछ छुपाया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है थंबनेल पर, सिग्नेचर पर, आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन जो है यात्री के यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सेकेंड आपका जो ये पार्ट है, ये ऑथराइज मेडिकल अथॉरिटी आपको फिल करेगी, तो ये आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। ये कहाँ पर आप सबमिट करेंगे इसके लिए पूरी लिस्ट है, जैसे कि ये कुछ बैंक ब्रांचेस की लिस्ट है जहाँ पर बैंक के बारे में था। इसकी अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ये डॉक्टर इंस्टीट्यूशन की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास, जैसे कि सपोज अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली से आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास आपके एरिया की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहीं पर जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं जो कि होगा, ठीक है। तो ये होगी हॉस्पिटल लिस्ट की बात, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये एप्लीकेंट फॉर्म है जो ऑफलाइन या NRI इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ बैंक्स भी हैं, 542 बैंक ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी यात्रा के लिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो। यहाँ पर भी स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये PNB बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, येस बैंक और SBI बैंक, इन सब में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप अमरनाथ जी का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू दी बैंक, बैंक के बारे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पर ही, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर द ऑनलाइन ऑफलाइन बैंक के थ्रू या NRI एक्स इंडियन है आप, तो इसके भी लिए कैसे क्या प्रोसीजर है वो भी हमने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोज़ की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।